अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि अगर किसी के पास निकाहनामा ना हो तो क्या वो औरत तंसीख निकाह का दावा दायर कर सकती है और उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी। या बाज़ औक़ात ये भी होता है कि उनकी शादी शरई निकाह तो हो जाता है लेकिन रजिस्टर नहीं हो पाती, इसी दौरान ही उनका डिस्प्यूट हो जाता है तो फिर वो कोर्ट में चले जाते हैं, तो क्या ऐसी सूरत में कानून क्या है। तो असल में फैमिली कोर्ट एक्ट में तो ऐसी कोई बात नहीं मिलती, बल्कि फैमिली लॉ आर्डिनेंस, मुस्लिम फैमिली लॉ आर्डिनेंस 1961 में है कि शादी की रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है और रजिस्ट्रेशन ना कराने की सूरत में उसकी पनिशमेंट भी रखी गई है। तो विलफुली अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराता तो वैसे ही उसकी पनिशमेंट है, आगे कानूनी पेचीदगियाँ भी हो सकती हैं, शिनाख्ती कार्ड नहीं बनता, इसी तरह बच्चों के बेफारम फर्दर नहीं बन सकते, तो उसको जितना जल्दी हो सके जल्द अज जल्द उसको रजिस्टर करा लिया जाए। लेकिन अब तो मौजू ये है कि अगर किसी के पास ऐसी सूरत हाल नहीं है तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का वो दावा भी करना चाहती है तो क्या सूरत हाल है। तो वहाँ जो फैमिली कोर्ट के फैसला जात हैं उसमें यही है कि एक एफिडेविट प्लेंटिव की तरफ से, औरत की तरफ से एक फाइल होता है, एफिडेविट के अंदर ये लिखा जाएगा कि हमारा शरई निकाह हुआ है और इस वजह से जो है ना मैं उसको निकाहनामे को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसलिए मैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का सूट फाइल कर रही हूँ। या ये भी हो सकता है कि बाद अवकात निकाह तो होता है लेकिन हस्बैंड ने वो निकाहनामा दिया नहीं है, काजी से भी अवेलेबल नहीं हो रहा, तो यूनियन काउंसिल भी आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट है। मसलन लाहौर में किसी का निकाह हुआ है और यहाँ पर खातून कराची के अंदर सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज फाइल कर रही है, तो ऐसी सूरत में डेफिनेटली अब उसके पास अगर निकाहनामा नहीं मिलता और वहाँ से अवेलेबिलिटी भी नहीं है तो अज़हद मजबूरी की सूरत में उसको एक एफिडेविट देना होगा कि निकाहनामा अवेलेबल नहीं है और यूनियन काउंसिल से भी हमारा निकाहनामा हासिल करना खासा मुश्किल है, तो उस एफिडेविट की बुनियाद पर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज फैमिली कोर्ट में फाइल हो सकता है। तो इसकी जो है ना वो केसला भी इस पे मौजूद हैं और केसला मैं आमतौर पर डिस्क्रिप्शन में जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ कोशिश मेरी यही होती है कि डिस्क्रिप्शन में जो कंसर्न केसला है या अगर कोई उसका एक्ट में कोई सेक्शन दिया गया है तो वो सेक्शन भी और केसला भी डिस्क्रिप्शन में मैं पुट कर ही देता हूँ। तो आप लोग जहाँ वीडियो देखते हैं वहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लिया करें ताकि आपको वहाँ से केसला और जो मुतलका सेक्शन है वो मिल जाए। तो अब ये मुख्तसरन एंड में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी औरत के पास निकाहनामा नहीं है तो ऐसी सूरत में डिस्प्यूट हो गया, वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज सीख करना चाहती है तो फिर उसको एफिडेविट के ज़रिए कोर्ट में सूट वो फाइल कर सकती है, कानून में इसकी प्रोविजन मौजूद है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।